अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है तो आज का मैच देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि तिलक वर्मा और संजू सैमसंग ने जिस हिसाब से पारी खेली वो आपको देखने के बाद मज़ा आ गया होगा। लेकिन क्रिकेट की जगत से एक और खुशखबरी निकल के आ रही है। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के घर में खुशियों का मौका है, क्योंकि उनको एक बेटा हुआ है। रिसेंटली रितिका सचदेव और रोहित शर्मा ने अनाउंस किया था कि रितिका सचदेव प्रेग्नेंट है, और उसके बाद आज ये न्यूज़ निकल के आई कि रोहित शर्मा और रितिका सचदेव ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। रोहित शर्मा और रितिका सचदेव की शादी हुई थी 13 दिसंबर 2015 को, और उसके बाद ये 2018 में उनकी एक बेटी होती है जिनका नाम वो रखते हैं समायरा। आज की तारीख में उनकी एज है 5 ईयर्स, और आज 15 नवंबर के दिन पर उनको एक बेटा भी हुआ है। हालांकि रोहित शर्मा और रितिका सचदेव ने कोई भी फेस रिवील नहीं किया, ये जो उनकी क्लोज फ्रेंड है उन्होंने इस न्यूज़ को शेयर किया है। वहीं आज इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ के एक हाई स्कोर बनाया है 283 रन का 20 ओवर्स में, जिसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए तिलक वर्मा ने। 47 बॉलों में 120 रन का स्कोर उन्होंने जड़ा है, यानी कि 255.32 की स्ट्राइक रेट से। वहीं संजू सैमसन ने 56 बॉलों में 109 रन बनाए, स्ट्राइक रेट थी उनकी 194.64। तो इस टाइप से आज टीम इंडिया ने परफॉर्म किया है। तो आप क्या कहना चाहोगे इन दोनों के बारे में, वहीं रोहित शर्मा के बारे में आपके जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस टाइप की लेटेस्ट सेलिब्रिटी न्यूज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।